इतिहास के पन्नों में ऐसे कई युद्धों का काला अध्याय दफन है जो उस समय की याद दिलाता है जब भारत की भूमि वाकई अपने अस्तित्व को बचाने में हार गई थी। ऐसी एक कहानी है पानीपत की तीसरी और अंतिम लड़ाई से जुड़ी दास्तां। पानीपत की लड़ाई तीन खंडों में विभाजित है, पहली, दूसरी और तीसरी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन बाबर की सेना के आगे इब्राहिम लोदी की सेना कुछ नहीं कर पाई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच। हेमू इससे पहले दिल्ली और आगरा पर अपना झंडा लहरा चुका था तथा वह संपूर्ण भारत पर कब्जा करना चाहता था। 1553 से लेकर 1556 के बीच अफगान योद्धाओं के साथ हेमू के कई बार युद्ध हुए, जिनमें से 22 युद्ध वह जीत चुका था। उसने भारत में हिंदू शासन भी स्थापित किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी वह जीत सकता था, लेकिन युद्ध के दौरान एक तीर आकर उसकी आंख में घुस गया। उसकी सेना उसे छोड़कर भाग खड़ी हुई और अफगान सेना ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई बहुत भयंकर थी। इसमें न जाने कितने ही योद्धा मारे गए थे, कितने ही सैनिक शहीद हुए और कितने ही घरों के चिराग बुझ गए। यह लड़ाई वर्तमान दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर लड़ी गई थी। 17 जनवरी 1761 को इस युद्ध को 18वीं शताब्दी में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की कड़ी का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा भारत के सैन्य इतिहास में भी इस युद्ध को एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। इस खबर को सुनकर तत्कालीन पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली से लोहा लेने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव भाव के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने पहले युद्ध में तो दिल्ली को अब्दाली के चंगुल से आज़ाद करवा लिया, लेकिन यह जीत उनके लिए एक जश्न का मौका नहीं बन पाई। जीत मिलने के कुछ समय बाद भरतपुर के शासक सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अवध का तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला भी अब्दाली के साथ जा मिला। दिल्ली को जीतने के कई माह बाद तक मराठा वहां से निकल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वहां खाद्य सामग्री और धन का अभाव होने लगा। दिल्ली से बाहर निकलकर उन्होंने कुंजपुरा की चौकी को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिससे अब्दाली बौखला गया। अब्दाली ने दोबारा कुंजपुरा पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस समय पानीपत और आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसका असर मराठों पर पड़ रहा था। बदतर हालातों की वजह से उन्होंने सर्वप्रथम अब्दाली से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा। नतीजतन उन्हें अंत में युद्ध करना ही पड़ा। यह युद्ध अहमद शाह ने जीत लिया था, लेकिन दोनों ही पक्षों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 30,000 से अधिक मराठा योद्धा मारे गए थे और इतने ही इस युद्ध के बाद अफगान सिपाहियों के क्रोध की भेंट चढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि मराठा अपनी सैन्य शक्ति में काफ़ी मजबूत थे। अपनी इस ताकत पर वे बेहद घमंड भी करते थे, जिसके चलते जाट और राजपूत उनसे दूरियां बनाते गए। यही वजह थी कि अफगान से आए आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया तो कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली ने सिख और कई हिंदू शासकों से यह आश्वासन लिया था कि वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसी भी ओर से भाग नहीं लेंगे। पानीपत की तीसरी और सबसे ज़्यादा घातक लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली को अन्य दो भारतीय राजाओं रोहिल्ला अफगान दोआब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग प्राप्त था। इस युद्ध के बाद अफगान सेना संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रभावी हो गई और मराठा, जो पहले उत्तर भारत की कमान संभाले हुए थे, बिल्कुल कमज़ोर होते चले गए। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना और सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठों के बीच हुए इस युद्ध में इतना खून बहा था जिसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था, उस स्थान पर एक आम का पेड़ था। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान धरती पर इतना रक्त बहा था कि
वह पेड़ ही उस रक्त से सींचा गया। इसकी वजह से उस पर उगने वाले आम पीले नहीं बल्कि काले रंग के होते थे। आज भी वह आम का पेड़ उस स्थान पर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी पानीपत की तीसरी युद्ध की लड़ाई, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।